बच्चों आज हम करने वाले हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अमांडा के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखा हमने कि अमांडा किस किस तरह से कुछ उसकी इच्छाएं हैं जो पूरी करना चाहती है। अब देखते हैं हम उसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ये एक्सट्रैक्ट नंबर 1 है। इसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनके हमें उत्तर इन पंक्तियों को पढ़कर करने होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ इज द लाइफ ऑफ ए मरमेड इन द सी, यानी कि जो समुद्र होता है उसमें एक मत्स्य कन्या का जीवन कैसा होता है। मरमेड लाइफ इज पीसफुल इन एमरल्ड सी, कि मरमेड जो होती है मत्स्य कन्या होती है उसका जो जीवन है वो समुद्र के अंदर यानी हरे समुद्र के अंदर बिल्कुल शांत होता है, ऑल अलोन, और वो अकेली होती है उसमें। शी एन्जॉयज कम्प्लीट फ्रीडम एंड ड्रिफ्ट्स ब्लिसफुली इन इट्स प्लेस्ड वाटर, और वो वहाँ पे अपनी संपूर्ण जो उसकी स्वतंत्रता होती है उसको एन्जॉय करती है, क्योंकि पूरे हरे समुद्र पर वो अकेली ही होती है, उस अपनी आज़ादी को वहाँ एन्जॉय करती है। एंड ड्रिफ्ट्स ब्लिसफुली इन इट्स प्लेस्ड वाटर, और जिस पानी में वो होती है उसमें वो आनंदित होती रहती है, बहुत आराम से मस्ती करती है, उसके साथ बहती रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज लाइन्स राइट इन योर ओन वर्ड्स वाई डज अमांडा थिंक ऑफ मरमेड, कि इन पंक्तियों के माध्यम से आप बताइए कि अमांडा क्यों चाहती है कि वो मत्स्य कन्या की तरह बन जाए, उसका जीवन जीना चाहती है। अमांडा थिंक्स अबाउट द मरमेड बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिव इन द वे ऑफ मरमेड। वो एक मत्स्य कन्या के बारे में इसलिए सोचती है क्योंकि वो सोचती है कि उसको भी मत्स्य कन्या की तरह जीवन जीना है, जिस तरीके से एक मरमेड जीती है उसी तरह से वो जीवन जीना चाहती है। शी डज नॉट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस, उसको किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं चाहिए, रुकावट नहीं चाहिए अपने जीवन में। एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पेरेंट्स, और वो ये भी नहीं चाहती कि उसके जो माँ बाप हैं उसको हमेशा निर्देश देते रहें कोई भी काम करने के लिए, तो वो चाहती है कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। वॉट डज दीज लाइन्स शो अबाउट द रिलेशन ऑफ अमांडा एंड हर मदर, इन पंक्तियों के माध्यम से आप बताइए कि अमांडा और उसकी जो माँ है उनके आपसी संबंध कैसे हैं। इन दीज लाइन्स द रिलेशन ऑफ अमांडा एंड हर मदर इज़ नॉट गुड, इन पंक्तियों से पता चलता है कि अमांडा और उसकी माँ के जो रिलेशन है यानी आपसी जो संबंध है वो सही नहीं है, अच्छे नहीं हैं। अमांडा डज नॉट लाइक द कॉन्स्टेंट डिस्टर्बेंस एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर मदर, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमांडा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है कि उसकी माँ उसे लगातार टोकती रहती है और आगे से आगे कोई ना कोई काम में उसको बाधा उत्पन्न करती है और ऊपर से उसको निर्देश भी देती रहती है। तो वो डिस्टर्बेंस और इंस्ट्रक्शंस इन चीज़ों के कॉन्स्टेंट यानी लगातार वो जो उसको अपनी माँ से मिलते रहते हैं उससे वो परेशान रहती है। Why does Amanda want to be a Rapunzel? Amanda Rapunzel की तरह क्यों बनना चाहती है? Amanda wants to be mermaid or Rapunzel. Amanda चाहती है कि या तो वो मत्स्य कन्या बन जाए और या फिर वो Rapunzel की तरह बन जाए। Because क्योंकि she drifts blissfully in emerald sea to enjoy peace and freedom. क्योंकि हरे समुद्र के अंदर वो आराम से एकांत में अपना जीवन जीती है और लहरों के साथ इधर से उधर अपने आप को आनंदित करती रहती है और शांत होता है पानी समुद्र का, और इसलिए वो ऐसा सोचती है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? What does Amanda's mother say about other opinion to her daughter? Amanda's mother tell her daughter that her behavior to her own daughter Amanda is not good. वो ऐसा कहती है कि लोग ऐसा सोचेंगे कि मेरा बर्ताव मेरी बेटी के प्रति अच्छा नहीं है। This will be said to them by others. और दूसरे लोग उसको ये बात कहेंगे क्योंकि वो बारी बारी अमांडा को टोकती रहती है, अमांडा उस बातों को अनसुना करती है, तो उसको लगता है कि बाहर जो दूसरे सुनने वाले लोग हैं वो क्या सोचेंगे, वो जो उनकी बातचीत को सुनते हैं उनको ये लगेगा कि शायद उसका व्यवहार अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ वो समझाने की कोशिश करती है अपनी बेटी को। What instructions are given in these lines by Amanda's mother to her daughter in these lines?
कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यानी क्या क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं अमांडा की माँ के द्वारा अमांडा को इन पंक्तियों के माध्यम से बताइए। इन दीज लाइन्स अमांडा इज टोल्ड नॉट टू सल्क, ही शी इज़ वेरी मूडी, शी शुड बी हैप्पी एंड चेयरफुल एंड ऑल्सो फॉलो वॉट शी सेज टू हर। उसकी माँ उसको ये कहती है कि हमेशा ख़राब सा मुँह बना के मत रखा करो, शी इज़ वेरी मूडी, इतना ज़्यादा तुम्हें अपना मूडी भी नहीं होना चाहिए, यानी जो तुम्हारा जो मूड है वो बारी बारी बदलता रहता है वो भी नहीं होना चाहिए। शी शुड बी हैप्पी, उसको हमेशा खुश रहना चाहिए एंड चीयरफुल, मस्त रहना चाहिए एंड ऑल्सो फॉलो वॉट शी सेज टू हर, और उन सब निर्देशों को मानना चाहिए जो उसकी माँ उसको कहती है। क्वेश्चन एंड आंसर्स इन अबाउट 20 to 30 words, 20 से 30 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। वाई डज अमांडा ड्रीम टू बी एन ऑफन, अमांडा ऐसा क्यों सोचती है कि काश मैं अनाथ हो जाऊँ, ऐसा सपना क्यों देखती है वो कि अगर मैं अनाथ होती तो ज़्यादा बढ़िया होता। अमांडा वॉन्ट्स टू एन्जॉय फ्रीडम, अमांडा आज़ादी को एन्जॉय करना चाहती है, सेलिब्रेट करना चाहती है कि मैं काश आज़ाद हो जाऊँ। शी वॉन्ट्स टू रोम द स्ट्रीट, वो गलियों में घूमना चाहती है। पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट विथ हर बेयर फीट, और अपने नंगे पाँवों से जो मिट्टी होती है उसके ऊपर निशान बनाना चाहती है। डज नॉट वॉन्ट टू डू होमवर्क, और होमवर्क भी नहीं करना चाहती, तो ये सब काम करना चाहती है, इसलिए वो सोचती है कि मैं अगर अनाथ हूँ तो मैं ये सब काम कर सकूँ और मुझे कोई रोके टोके भी नहीं। आगे देखते हैं, वाई डज अमांडा वॉन्ट टू बी अ मर्मेड, अमांडा जो है वो एक मत्स्य कन्या क्यों बनना चाहती है। शी वॉन्ट टू बी अ मर्मेड, वो एक मत्स्य कन्या बनना चाहती है बिकॉज, क्योंकि शी ड्रिफ्ट्स ब्लिसफुली इन एमरल्ड सी, उसको हरे समुद्र के अंदर बहुत ही आनंदपूर्वक वो इधर से उधर जा सकती है। एन्जॉयज कम्प्लीट फ्रीडम एंड पीस ऑफ द सी, और वो पूर्ण आज़ादी का आनंद ले सकती है और जो समुद्र के अंदर गहराई में जो शांति है उसको भी एंजॉय कर सकती है, इसलिए वो मत्स्य कन्या बनना चाहती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज अमांडा बिहेव इन द पोएम, इस कविता में अमांडा किस तरह का बर्ताव करती है। अमांडा बिहेव्स सल्किली एंड मूडीली इन द पोएम, अमांडा जो है उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त है और उसका जो मूड है वो बदलता रहता है इस कविता में। शी डज नॉट पे अटेंशन टू वॉट हर मदर सेज, और वो इतनी ढीली ढाली रहती है कि ध्यान नहीं देती है उसकी माँ उसको क्या कह रही है, जो भी वो उसको कहती हैं वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑफन, और इसलिए वो कहती है कि मैं एक अनाथ होती तो ज़्यादा अच्छा होती, एक मत्स्य कन्या होती या फिर रुपंजल की तरह होती तो ज़्यादा अच्छा होता। What is the theme of the poem Amanda? ये जो Amanda poem आपने पढ़ी है, कविता पढ़ी है, इसका theme क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, किस बारे में है ये। The theme of this poem is to find faults of children and nagging of parents in their children. यानी इस कविता के माध्यम से दो चीज़ें पता चलती हैं कि एक तो हमें बच्चों की कमियां नहीं निकालनी चाहिए, सारा दिन उनकी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, और nagging of their parents, और जो रोक टोक होती है बात बात पे अपने बच्चों के साथ जो पेरेंट्स करते हैं, हमेशा उनको कोई भी काम के लिए मना करते रहते हैं, रोक टोक करते रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा समय देना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा फ्री रहने देना चाहिए। व्हाट इम्पैक्ट ऑल दिस हैव ऑन देम, और इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है उन बच्चों पर, अगर बच्चों को ज़्यादा ही नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, या सारा दिन उन्हें निर्देशित किया जाता है, समझाया जाता है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं, वो इस कविता के माध्यम से हमने देखा। What do you think about Amanda's mother after reading this poem? इस कविता को पढ़ने के बाद में आप अमांडा की माँ के बारे में क्या सोचते हैं? Amanda's mother often instructs her child not to bit nails. अमांडा की जो माँ है वो हमेशा उसको निर्देशित करती रहती हैं, कहती रहती हैं कि वो अपने नाखून ना चबाए। Hunch her shoulders, अपने कंधों को झुकाकर ना बैठें। Slouch and eat चॉकलेट्स, और हमेशा अपने ऐसे कुबड़ से निकाल के ना बैठी रहे, झुकी हुई ना रहे और ज़्यादा चॉकलेट्स भी ना खाए। शी इज़ केयरिंग एंड डोमिनेटिंग, वो बहुत ध्यान रखने वाली माँ है,
उसको बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा उसकी केयर भी करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मदर हैं। डोमिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को अपने वश में करके रखना, उसको हर चीज़ मनवाना जो वो चाहता है। तो वो हमेशा डोमिनेटिंग मदर की तरह इस पोएम में हमने उनको देखा है। हु वॉन्ट्स टू डेवलप गुड हैबिट्स इन हर चाइल्ड, और उनका ये जो डोमिनेंस है यानी वो अपनी बेटी को सुधारना चाहती हैं, उसके अंदर सारी अच्छी आदतें डेवलप हो जाएँ, इसलिए वो उसको फोर्स करती रहती हैं कि तुम ये करो वो करो। तो अच्छी आदतें विकसित करने के लिए वो उसको ये सारे सारे निर्देश देती रहती हैं और उसे हमेशा अपने बस में करके रखना चाहती हैं। What could Amanda do if she were a mermaid? अगर Amanda एक मत्स्य कन्या होती तो वो क्या करती? If Amanda were a mermaid, she could drift blissfully in the emerald sea. अगर वो एक मत्स्य कन्या की तरह होती तो फिर वो आराम से हरे समुद्र के अंदर आनंद से तैरती रहती। She would be the sole inhabitant of the sea. और पूरे उस समुद्र में वो अकेली ही होती, उस पूरे समुद्र की मालकिन की तरह। Nobody would be there to curtail her freedom and to nag her at her. और वहाँ पे कोई भी नहीं होता जो कि उसकी आज़ादी को छीन लेता या फिर उसको आके बारी बारी तंग करता। Is Amanda an orphan? Why does she say so? अब क्या Amanda अनाथ लड़की है और वो ऐसा क्यों कहती है? No, Amanda is not an orphan. नहीं, Amanda एक अनाथ लड़की नहीं है। She says so because she thinks that an orphan has the liberty to roam about the street barefooted. नहीं, Amanda एक अनाथ लड़की तो नहीं है। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि वो सोचती है कि एक जो अनाथ बच्चा होता है उसके पास पूरी आज़ादी होती है, लिबर्टी होती है टू रोम, इधर उधर घूमने की, अबाउट द स्ट्रीट्स बेयरफुटेड, और वो गलियों में भी घूम सकता है खुली, मिट्टी के ऊपर भी नंगे पांव घूमता है, उसको कोई मना नहीं करता। अ बेयरफुटेड ऑफन डजंट नीड शूज एंड देयर क्लीनलीनेस, और जो नंगे पांव बच्चा घूमता है उसको ना ही तो सफाई की चिंता होती है और ना ही उसको जूतों की ज़रूरत होती है। और ऐसा कहाँ होता है? जो बच्चे अनाथ होते हैं उनके साथ ही होता है, क्योंकि उनको कोई रोकता टोकता नहीं है Why does Amanda like to be a Rapunzel with a condition? और Rapunzel की तरह भी Amanda बनना चाहती है लेकिन एक परिस्थिति के साथ, वो क्या है? Amanda like to be Rapunzel. Amanda Rapunzel की तरह भी होना चाहती है because she want a peaceful and tranquil life, क्योंकि वो एक शांति भरा जीवन और एकांत जीवन जीना चाहती है। She will not let down her bright hair to escape the Rapunzel. लेकिन वो अपने बालों को नहीं लटकाएगी जिस तरह से Rapunzel ने लटकाया था भागने के लिए, बचने के लिए उस टावर से। Find out the message of the poet given in the poem Amanda. इस कविता Amanda में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं वो बताइए। Poet tells that parents let their children grow free and naturally. कवि कहते हैं कि जो माँ बाप होते हैं उनको बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए नेचुरली, ताकि वो एक नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से उनमें बढ़ सकें, उनमें विकास हो सके। अननेसेसरी कंट्रोल लीव एन अनहेल्दी इम्पैक्ट ऑन द हार्ट एंड माइंड ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन अगर हम बिना ही मतलब कुछ ज़्यादा ही नियंत्रित करना शुरू करते हैं, हद से ज़्यादा बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ देता है बच्चों के दिमाग पे और दिल पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बच्चों को कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ तालमेल बैठा के रखना चाहिए कि कहाँ थोड़ा कंट्रोल करें, कहाँ उनको थोड़ी लिबर्टी दें, थोड़ी आज़ादी भी ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो बच्चों, हमने देखे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।